नवंबर को नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर सोमवार के दिन जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, एसपी नीलेश कुमार ने संयुक्त रूप से मतदान कर्मियों के साथ बैकिंग कर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। मतदान के कुल 3,168 बूथ बनाए गए हैं। 2,248 पहले थे और 920 बूथ कोरोना के कारण बढ़ाए गए। इन सभी को मिलाकर उससे ना तो कोई अति संवेदनशील और ना ही सामान्य बल्कि केवल संवेदनशील है। इसमें 45 बूथ नक्सल प्रभावित हैं। इससे अधिक इस्लामपुर में 21 बूथ है, जबकि 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ बूथ को नक्सल प्रभावित के तौर पर चिन्हित किया गया। अन्य के मुकाबले इन सबों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला हमारे प्रतिनिधि राज की नालंदा से ये खास रिपोर्ट। ये आज हमारा जो मेट्रोलिंग नंबर 3 पार्टी और उनके साथ में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका डिस्पैच किया जा रहा है। यहाँ ब्रीफिंग करेंगे हम लोग, इसके बाद में फिर वाहन लेकर के अपना मशीन रिसीव करेंगे ईवीएम वगैरह, और फिर उसको लेकर के लिए बूथ पर रवाना होंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर ज्वाइंट ब्रीफिंग जो है लास्ट मोमेंट पे, वहाँ क्या इनको महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों को वहाँ देखना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग इसे बार इनको ब्रशअप करेंगे। ट्रेनिंग कई बार इन लोगों को दी गई है, लेकिन फिर भी एक अंतिम बार जो है हम लोग पुनः इनको वही सब चीज़ें दोहराएंगे, ताकि जो चुनाव है तो उसके दौरान, प्रक्रिया के दौरान कोई भी गलती या भी सामना नहीं करना पड़े।